मान पंजाब का वैभवी चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रमाण परीक्षण के बारे में श्री चंद्रशेखर जी ने विचार व्यक्त किए। पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद अनशन कर रहे हैं। मैं आगरा से सभी कार्यकर्ताओं और जनता के साथ आज अनशन पर बैठा हूं और कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा जो संसद न चलने दिया उसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और अपील करता हूं जनता से कि जिस तरह का कृत्य किया है कांग्रेस ने, आने वाले समय में उनको जवाब दें। सांसद जी, लगातार तबाही की बात कर रहे हैं आगरा में। रात को एक तरफ किसान पूरी तरह से खून के आंसू हो रहा है, एक तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। जरूरत नहीं थी किसानों से बात करने की? लगातार फसल बर्बाद हो रही है। जो किसानों से संबंधित है, हम किसानों के हितैषी हैं जी। किसानों को 36,000 करोड़ रुपया किसी प्रदेश ने दिया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी की सरकार ने दिया है जी। आज यदि आपात स्थिति बनी या जो नुकसान हुआ है सरकार आकलन कर रही है और जो मुआवजा की संभावना होगी वो निश्चित रूप से हम मदद करेंगे। उन्नाव की घटना पर कुछ बोलना चाहेंगे? इस उन्नाव की घटना पर नहीं, वो सरकार अपना काम कर रही है। एक आप ही की प्रवक्ता लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को घेरे पड़ी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। अब वो क्या है उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन सरकार गंभीर है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, जो भी दोषी। भारत लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश की जो आत्मा है वो लोकसभा और विधानसभाएं हमारी हैं। और लोकसभा में जो बजट का सत्र था, उस पूरे बजट के सत्र में जिसमें दलित समाज का, पिछड़े समाज का, व्यापारियों का, 125 करोड़ की आम जनता का भविष्य निर्धारण अगले वर्ष के लिए होना था, उस बजट सत्र को कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने पूरे बजट में हंगामा करके, उधम करके लोकसभा की कार्रवाई को नहीं चलने दी। उसके विरोध में आगरा के लोकप्रिय सांसद रामशंकर कठेरिया एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। आज उनका साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आगरा महानगर के समस्त कार्यकर्ता, उनकी लोकसभा के समस्त कार्यकर्ता उनका साथ देने के लिए मौजूद है। और मुझे लगता है कि पूरे देश में सभी सांसद कांग्रेस को सद्बुद्धि लाने के लिए आज उपवास कर रहे हैं। आगरे के सांसद भी उपवास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को उनके उपवास से सबक मिलेगा और उनमें सद्बुद्धि आएगी।